पवन जी का मेरा दोस्ती मतलब 15-16 साल हो गया, लेकिन हम लोग एक फ्रेंड थे, हम कोई हम लोग का काम का रिश्ता नहीं था कि हम लोग काम कर रहे हैं या कुछ है। तो हमको लगता है कि लास्ट बर्थडे से 8 1 साल हुआ, ये बर्थडे 1 साल हो जाएगा, फरवरी से 11 महीना होगा इस बर्थडे में। हम उनका मतलब चूंकि वो एक दोस्त है, एक दोस्त पे भरोसा उन्होंने किया। आप लोग जानते हैं मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है ऑफिस से, हर आर्टिस्ट काम करते हैं, और उस समय से मात्र 1 साल से हम उनका 100% काम देख रहे हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी आ जाए, हम लोग को कुछ देर के लिए अलग कर सकता है, लेकिन दिल से हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। दोनों का दिल एक ही है और एक ही में प्राण बसता है, और कितना भी बुरे आदमी हो जाए, एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। आप लोग लाख चाह करके भी अलग करना चाहें, ये रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग ये हो, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को सेहत को कोई फर्क पड़े, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं, पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह में काफी दिनों से विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। कभी पवन सिंह कुछ कहते हैं तो ज्योति सिंह कभी कुछ कहती हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों ही एक दूसरे के पोल खोलते हुए नजर आते हैं। अब इसी विवाद के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं, और साथ ही साथ पवन सिंह के करीबी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लपेटे में आए हैं। अब हाल फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे में दीपक सिंह की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, और ये चर्चा कोई और नहीं देसवा न्यूज चैनल के रिपोर्टर बबीता मिश्रा ने की है। कहा यह जा रहा है कि दीपक मिश्रा पवन सिंह के राइट हैंड है। ज्योति सिंह भी ये कहती हुई नजर आती हैं कि उनके जो लोग हैं वही नहीं चाहते हैं कि उनका घर बसे, और पवन सिंह के साथ और सबसे करीबी जो हैं वो हैं दीपक सिंह। तो हो ना हो, एक तरफ से ज्योति सिंह और देसवा न्यूज चैनल के जो रिपोर्टर है बबीता मिश्रा और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका यही कहना है कि यही एक इंसान है जो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर बसे, यही चाहते हैं कि पवन सिंह इनके साथ रहें और ये अपने परिवार से दूर रहें और अपना परिवार अपना घर न बसाएं और सिर्फ इनके साथ मिलकर काम करें ताकि इनका फ़ायदा हो सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो दीपक सिंह को लेकर कही जा रही है। अब हाल फिलहाल दीपक सिंह ने भी इस बात पर बयान दिया है। दरअसल दीपक सिंह ने ये बात करते हुए सबसे पहले बताया कि पवन मेरे लिए क्या है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि पवन सिंह और उनका रिश्ता भाई से भी बढ़कर है। वो काम करने से पहले, बिजनेस पार्टनर होने से पहले एक अच्छे दोस्त थे, और उसके बाद उन लोगों ने साथ में मिलकर एक नया प्रोजेक्ट चालू किया। दीपक सिंह का कहना था कि अभी 11 महीने पहले से ही वो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और फिलहाल दीपक सिंह ही पवन सिंह का सारा काम देखते हैं। वो इवेंट मैनेजर हैं और बहुत सारे सेलेबस का वो काम देखते हैं, लेकिन अब पवन सिंह के काम में टोटली वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और पवन सिंह के साथ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। हाल फिलहाल 5 जनवरी को पवन सिंह के बर्थडे पर वो बहुत ही अच्छा गाना पेश करने वाले हैं जिसमें बॉलीवुड की इंटायर टीम होने वाली है। तो इस तरह से एक हाल फिलहाल के इंटरव्यू में दीपक सिंह ने बयान दिया है। साथ ही साथ दीपक सिंह ने यह भी कहा है कि उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि अगर चाहे कोई कितना भी कुछ बयान दे ले, कितना भी निगेटिव बोल ले, कितना भी शक पैदा कर ले, कितने भी रिकॉर्डिंग सुना दे या कुछ भी प्रूफ कर ले, लेकिन फिर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, मरते दम तक अलग नहीं कर सकता। दीपक सिंह ने कहा कि पवन मेरे लिए वो इंसान है जिससे मैं कभी अलग नहीं रह सकता, इसलिए वो चाहे जो बीज बोले लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और कोई भी चाहे कितना भी कुछ कर ले हमें कभी अलग नहीं कर सकता। तो इस तरह से दीपक सिंह ने इंटरव्यू में ये बातें बोलकर ये साफ कर दिया है कि उनका और पवन सिंह का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है और वो दोनों एक दूसरे का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसको जो उनके बारे में बोलना है वो बोलता रहे, उन दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। वेल, अगर बात करें पवन सिंह की अपकमिंग सॉन्ग की, तो वो सॉन्ग हिंदी बेस्ड सॉन्ग होने वाला है, भोजपुरी हल्का बहुत मिक्स होगा उसमें, और ये सॉन्ग बॉलीवुड के एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ शूट होने वाला है। साथ ही साथ इसमें पवन सिंह के साथ बॉलीवुड सिंगर भी नजर आने वाले हैं, वो ही आवाज़ देने वाले हैं फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर, और साथ ही ये गाना बड़े लेवल पर शूट हो रहा है। उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि पवन सिंह का जो 5 जनवरी को उनके जन्मदिन पर गाना आने वाला है, इस बार 5 के नाचे यह वाले से हटके है,
और साथ ही साथ इसमें अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है। जितना लोग एक फिल्म में खर्च करते हैं उतना एक गाने में खर्च किया गया है। वेल, अब देखने वाली बात यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या 5 जनवरी को सच में ऐसा गाना आता है जो तहलका मचा देता है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। सभी को इस पल का इंतजार है कि कब पवन सिंह का वो गाना लॉन्च हो और सभी लोग उसे देखें और इंजॉय करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस पर क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।